कश्मीर में उपचुनाव के दौरान पत्थरबाज को अपनी जीप से बांधकर घुमाने वाले आर्मी के मेजर लेतुल गोगोई को आर्मी चीफ ने सम्मानित किया है। दरअसल इस तरह से आर्मी ने एक संदेश दिया है, उन्होंने लेतुल गोगोई को न सिर्फ क्लीन चिट दी बल्कि सम्मानित करके पत्थरबाजों और उनके समर्थकों को साफ तौर पर संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में उपचुनाव के बाद सामने आई इन तस्वीरों ने घाटी की सियासत में खासा बवाल खड़ा कर दिया था। बवाल की दूसरी किश्त के तौर पर सेना ने मेजर लेतुल गोगोई को सम्मानित कर दिया है। मेजर लेतुल गोगोई ने ही एक पत्थरबाज को काफिले की जीप के बोनट पर बांधकर उसे मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। खबर है कि हाल ही में कश्मीर दौरे पर गए जनरल बिपिन रावत ने मेजर गोगोई को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से नवाजा है। गोगोई को यह अवार्ड आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया है। वीडियो सामने आने के बाद सेना ने मेजर गोगोई के खिलाफ अंदरूनी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक जिन हालात में गोगोई ने ऐसा फैसला लिया उसमें आमतौर पर सेना को फायरिंग करनी पड़ती है, लेकिन मेजर ने समझदारी का परिचय देते हुए ये कदम उठाया। स्थानीय युवक के जीप पर बंधे होने की वजह से भीड़ ने पत्थरबाजी नहीं की और पूरा काफिला सुरक्षित घटनास्थल से निकलने में कामयाब रहा। मेजर गोगोई के फैसले और सेना पर उसकी मोहर को बीजेपी सांसद परेश रावल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, पत्थरबाजों की बजाय अरुंधति रॉय को सेना की जीप से बांधो। दरअसल लेखिका अरुंधति रॉय कश्मीर में सेना की तैनाती समेत कई ऐसे मसलों पर सरकार का विरोध करती रही है जो आमतौर पर देशभक्ति से जुड़े माने जाते हैं। सेना की जीप पर बांधे गए कश्मीरी युवक का ये वीडियो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था और सरकार पर सवाल उठाए थे, लेकिन मेजर गोगोई को सम्मानित करके साफ संकेत दे दिया गया है कि भविष्य में पत्थरबाजों से निपटने में सेना का रुख कैसा रहेगा। आज तक ब्यूरो।